ठीक है, जितने बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDES का बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन 100% मिल सके। उन सभी बच्चों तक भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो MSWDES की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी को भी MSWDES के नए बैच का क्लासेस और नोट्स मिल सके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर अब डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDES के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलेगा, इसलिए अगर आप MSWDES की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कोई भी PDF या नोट्स आप लोगों को टाइम से टेलीग्राम पर मिलता रहे। दोस्तों, हम MSWDES के कोर्स को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि आप सभी का हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तब आप सभी का हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि आप लोगों का हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हाल ही में जो व्हीकल मैकेनिक के बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलतियाँ किया है एग्जाम में, और उनका कहना है कि 80 हमारा 80+ नंबर है, किसी का 85+ नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने या तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती किया है, वरना उन्हें कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं था कि क्या क्लियर इसका आंसर है। तो यही गलतियां करते हैं, तो इस तरह ही आप लोगों का बेहतर तैयारी करवाने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 2000+ आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों का हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। बस ध्यान से पढ़ते जाना और नोट्स बनाते हुए जाना जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि अभी तक हमने 8 टॉपिक कवर किया है, यानी कि 8 क्लास हमारा हो चुका है। ठीक है, ये इंजेक्टर और उसके प्रकार तक हम कवर कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूल पंप और उसके प्रयोग के बारे में। तो अगर आपने ये सारा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लो, और एक बार, चूँकि हर टॉपिक जो है एक दूसरे से सिक्वेंस में मिला हुआ है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी आप लोगों को आगे का वीडियो समझ में आएगा। चलिए, आज पहले हम फ्यूल पंप के बारे में जानते हैं, क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है, पूरा इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्यूल पंप गाड़ियों में लगी एक डिवाइस होती है जो फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने में मदद करती है, और फ्यूल पंप को या फ्यूल टैंक के अंदर या इंजन के ऊपरी भाग इनलेट वॉल्व या कार्बोरेटर के पास लगाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर लगाया जाता है, इनलेट वॉल्व या तो हो या फिर कार्बोरेटर के पास फ्यूल पंप को लगाया जाता है, ध्यान रखना। और इसका मेन काम क्या होता है, फ्यूल यानी कि फ्यूल पंप है तो फ्यूल को ही ये पहुंचाने का क्या काम करेगा, फ्यूल को पहुंचाने का काम करता है। फ्यूल पंप को फ्यूल के प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे फ्यूल पंप निर्धारित प्रेशर के साथ फ्यूल लाइन में प्रवेश करता है। प्रेशर बढ़ जाने के कारण फ्यूल का बहाव निरंतर और दिशा विशेष हो जाता है। अगर फ्यूल पंप निर्धारित प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बना देता है तो फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसका कहने का मतलब है, जो फ्यूल पंप होता है हमारा फ्यूल टैंक से, क्योंकि हमारा फ्यूल टैंक के कहीं कहीं इंजनों में आपने देखा होगा नीचे लगा रहता है, तो क्या करता है ये, इसको सक करता है। फ्यूल पंप का क्या काम है, खिंचाव पैदा करना यानी कि प्रेशर बनाना, तो प्रेशर के साथ क्या करता है, हमें फ्यूल को देता है, इसलिए फ्यूल पंप लगाया जाता है, ताकि कहीं से भी इसे आसानी से हमें फ्यूल मिल सकता है। इसके कारण इनकम्प्लीट कंजप्शन फ्यूल को पूरी तरीके से उपयोग ना हो पाने से फ्यूल पंप निर्धारित प्रेशर से कम प्रेशर बनाता है और फ्यूल पंप की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण इंजन में मिस फायर और फ्यूल ना जल पाना होता है। क्या होता है, कभी कभी फ्यूल पंप में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़्यादा प्रेशर में वो हमें फ्यूल देने लगता है, या फिर कभी कभी खराबी आने के कारण बहुत कम प्रेशर में फ्यूल देने लगता है, तो इससे अगर ज़्यादा प्रेशर में दे रहा है तो हमारा बहुत फ्यूल का नुकसान होता है। इसलिए एक सेटिंग की जाती है, और सेटिंग की जाती है उस हिसाब से कार्बोरेटर वगैरह जो है अपने हिसाब से मिक्सचर बनाता है, उस हिसाब से अपना फ्यूल ले लेता है। ठीक है, फ्यूल पंप का मेन काम आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर तक पहुँचाने का काम, फ्यूल को पहुँचाने का काम किसका होता है, फ्यूल पंप का काम होता है। ठीक है, यही इसका बेसिक काम है। ये हमें किसी चीज़ को खींच के देने का काम करता है, यानी किसी चीज़ को, मतलब कि फ्यूल को हमें खिंचाव यानी खींच के हमें देता है प्रेशर बना के। फ्यूल पंप के प्रकार के बारे में थोड़ा जानेंगे कि फ्यूल पंप कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार वर्क करता है।
आप देख सकते हो ये मैकेनिकल फ्यूल पंप है। तो ये मैकेनिकल फ्यूल पंप इस तरह का होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, बाउल रिटेनर है, यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, फिल्ट यहाँ पे फ्यूल इन टैंक, टैंक जो है यहाँ से, टैंक से जो है फ्यूल हमारा आ रहा है, ये देखिए कार्बोरेटर इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा थ्योरी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल फ्यूल पंप होते हैं जिनको चलाने के लिए मशीन के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। फ्यूल पंप का प्रेशर 40 से 100 PSI तक बढ़ाया जा सकता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डायफ्राम टाइप पंप और प्लंजर टाइप पंप होता है, ठीक है। अब हम बात अगर करें कि फ्यूल पंप को दोस्तों ड्राइव किसके द्वारा मिलता है, तो फ्यूल पंप को जो हमें ड्राइव मिलता है कैमशाफ्ट के द्वारा दिया जाता है। यह अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये नोट करते हुए चलिएगा जो जो आप लोगों को बता रहा हूँ हाईलाइट करके, और जितना भी मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताता हूँ पिछले क्लास में बच्चों को मैं बता चुका हूँ नोट्स बनाते हुए, चलिए जो जो हाईलाइट करके बताता हूँ उसको तो खासकर नोट किया करिए, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन के फ्यूल पंप किससे ड्राइव दिया जाता है, तो कैमशाफ्ट के द्वारा ड्राइव दिया जाता है फ्यूल पंप को। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा टाइप है, डायफ्राम टाइप पंप होता है। पहला हमने मैकेनिकल टाइप पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डायफ्राम टाइप पंप के बारे में। डायफ्राम पंप फ्यूल स्टोरेज या आयतन डायफ्राम प्लेट के द्वारा कम व ज़्यादा करके फ्यूल प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है। किसके द्वारा करता है दोस्तों, डायफ्राम प्लेट के द्वारा करता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, डायफ्राम के मोशन को कैम के रोटेशन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। देखिए किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, कैम के रोटेशन के द्वारा। हर फ्यूल पंप को कैम के रोटेशन से ही इसको ऑपरेट किया जाता है, कैम शाफ्ट के द्वारा ही। जब आयतन बढ़ता है तो पंप के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और जिसके कारण फ्यूल इनलेट वाल्व के द्वारा पंप हो जाता है। और जब आयतन कम हो जाता है तो घटता है तो पंप इसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्यूल आउटलेट वाल्व के द्वारा फ्यूल लाइन में चला जाता है। इनलेट और आउटलेट वाल्व निर्धारित दिशा पर फ्यूल प्रवाह करते हैं। इसके लिए एक सेटिंग की जाती है फिक्स की, अगर फ्यूल घट जाए तो इसका फ्लो शुरू हो जाता है या बढ़ जाता है। अगर फ्यूल ज़्यादा हमें पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है तो इसका प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक इसका आयतन जब क्या होता है कम हो जाता है, तो इसका प्रेशर भी कम हो जाता है। और जब क्या होता है प्रेशर, जब आयतन हम घटता है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जब हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है तो क्या होता है इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ने लग जाता है। और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, इसका आयतन घट जाता है, या डायफ्राम क्या होता है स्टॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है, जिससे हमें फ्यूल नहीं मिलता। तीसरा हमें जो होता है ये प्लंजर टाइप फ्यूल पंप होता है। प्लंजर टाइप फ्यूल पंप किस तरह वर्क करता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। प्लंजर टाइप पंप में प्लंजर होता है जो पिस्टन की तरह काम करता है, ठीक है। प्लंजर के मोशन तथा स्प्रिंग के कैम रोटेशन से ऑपरेट होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि हर जो भी फ्यूल पंप होगा कैम शाफ्ट के द्वारा, यानी कि कैम के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। प्लंजर जब बॉटम डेड सेंटर के निचले छोर पर होता है तो प्लंजर इनलेट पोर्ट द्वारा फ्यूल प्रवेश पंप में होता है, और जब प्लंजर BDC यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है तो इनलेट पोर्ट प्लंजर बंद हो जाता है। जब क्या इन्होंने बताया कि जब BDC पे हमारा प्लंजर होता है, ये पिस्टन टाइप का ही एक छोटा सा प्लंजर होता है, तो जब BDC पे होता है तो फ्यूल क्या होता है हमारा एंटर करता है, ठीक है। और जब ये फिर फ्यूल पंप BDC से TDC की ओर जाता है तो क्या होता है इसका प्रेशर बढ़ने के कारण, देखो फ्यूल कंप्रेस होकर आउटलेट पोर्ट में फ्यूल पोर्ट में मदद फ्यूल लाइन से चले जाता है। क्या होता है जब हमारा TDC की ओर कंप्रेस होगा, यानी कि फ्यूल जब BDC से TDC की ओर जाएगा तो फ्यूल कंप्रेस होगा, तो जो होता है क्या होता है आउटलेट पोर्ट के द्वारा ये फ्यूल लाइन में चला जाता है, इसका ये काम ये है। अब चौथा जो हमारा फ्यूल पंप है इलेक्ट्रिक टाइप फ्यूल पंप होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप को करंट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पंप मैकेनिकल पंप की तुलना ज़्यादा बेहतर होते हैं, फ्यूल की खपत को कम करते हैं। इनमें फ्यूल का फ्यूल प्रेशर 400 से 2000 PSI तक बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूल पंप होता है इसको 400 से 2000 PSI तक हम इसे कर सकते हैं। ऐसे कैम शाफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप होता है इसे कैम के द्वारा ऑपरेट ना करके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप के द्वारा किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो
इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा यानी कि ECU के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कैम मत मार के आना आंसर में, ठीक है? ये सब आप लोगों को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। फिर हमारा जो है पांचवा है SU इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है। तो SU इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप जो है, इसका थोड़ा देखिए थ्योरी में आप लोगों को समझाता हूँ। इस फ्यूल पंप में डायफ्राम में मोशन के द्वारा फ्यूल के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। डायफ्राम के मोशन और सोलोनाइड इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा डिवाइस पंप में डायफ्राम मोशन द्वारा फ्यूल में प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये जो हमारा क्या है, डायफ्राम टाइप का फ्यूल पंप है। तो डायफ्राम इसमें क्या होता है दोस्तों, डायफ्राम लगा होता है जो ऊपर नीचे क्या होता है मतलब पंपिंग होता रहता है, ऊपर नीचे इसका डायफ्राम होता है। तो जिससे क्या होता है कि इससे प्रेशर यानी कि वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से जब ऊपर नीचे हमारा चलता है ये डायफ्राम, तो वैक्यूम क्रिएट होने से जो भी फ्यूल आता है वो क्या होता है पंप यानी कि जब ऊपर नीचे होगा तो जो जब फ्यूल आ जाता है तो ऊपर उठते ही पंप होते ही इसमें क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस होकर फ्यूल लाइन में जाता है। तो चलिए पूरा आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ के बताता हूँ, फिर पूरा क्लियर। डायफ्राम के मोशन के सोलोनाइड और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है? इसको भी डायफ्राम टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप का, ये भी एक तरह का फ्यूल पंप होता है। तो इसको भी किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सोलोनाइड इलेक्ट्रॉनिक करंट सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर के ऊपर की ओर, जिसके कारण फ्यूल स्टोरेज वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण फ्यूल इनलेट वॉल्व के द्वारा सिविल स्टोरेज एरिया में आ जाता है, और आर्मेचर पुश रोड में स्प्रिंग की सहायता से जुड़ी रहती है। आर्मेचर के ऊपर आ जाने से सोलेनाइड कनेक्शन ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण उत्पन्न हुई मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म हो गया तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल हमारा आना बंद हो जाता है। जब क्या होता है इसमें, इसका कहने का मतलब पूरा ये है कि इसमें जब प्लंजर कह रहा हूँ, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो ऊपर नीचे करता है, तो ये किस कारण करता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये के कारण ये क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है, इसमें सोलेनाइड और ब्रेकिंग पॉइंट लगा रहता है। जब क्या होता है ये फ्यूल हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये कनेक्शन जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ये ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है वो डायफ्राम रुक जाता है, और डायफ्राम रुकने से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, जिससे फ्यूल आना फिर बंद हो जाता है। और दूसरा जो है, अगर उसी तरह होता रहता है यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर से वो सीवी पॉइंट जुड़ जाता है, और फिर उसी तरह हमें ऑयल मिलने लगता है। चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के कारण फोर्स में आर्मेचर नीचे की ओर आ जाता है, और आर्मेचर नीचे आने के कारण फ्यूल स्टोरेज एरिया का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाने कारण फ्यूल आउटलेट वॉल्व के द्वारा फ्यूल लाइन में चले जाता है। आर्मेचर के नीचे आ जाने से सोलोनाइड का कनेक्शन स्वतः ब्रेकिंग पॉइंट में जुड़ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस प्रकार साइक्लिक प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए मैंने आप लोगों को यही समझाया क्या होता है, जब फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ये फिर से जुड़ जाता है, और यही प्रक्रिया मैग्नेटिक फील्ड फिर जनरेट हो जाती है, और इस तरह ये चलता रहता है हमारा प्रोसेस, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा जो है हाई प्रेशर फ्यूल पंप होता है, ठीक है? कौन सा फ्यूल पंप है हमारा नेक्स्ट, हाई प्रेशर फ्यूल पंप है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, हाई प्रेशर फ्यूल पंप के बारे में। हाई प्रेशर फ्यूल पंप का इस्तेमाल फ्यूल के प्रेशर से अत्यधिक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के फ्यूल पंप का इस्तेमाल उन गाड़ियों में किया जाता है जहाँ चार से चार ज़्यादा सिलेंडर इंजन लगे होते हैं। इसमें कॉमन रेल फ्यूल पंप भी इसे कहा जाता है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप को कॉमन रेल फ्यूल पंप भी कहा जाता है, ये ध्यान करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इन पंपों का फ्यूल का प्रेशर 30,000 PSI तक बढ़ाया जा सकता है, सोच सकते हो, इसीलिए इसको हाई प्रेशर फ्यूल पंप कहा गया, ठीक है? इसका क्या होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल प्रेशर को क्या होता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा से चार से ज़्यादा सिलेंडर होता है, हमें ज़्यादा हाई प्रेशर फ्यूल चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे इसको हाई प्रेशर फ्यूल पंप का उन गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है जहाँ क्या हमें एकदम हाई प्रेशर में फ्यूल की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये देख सकते हैं 30,000 PSI तक इसका बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग थोड़ा पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या है, चलिए इसके उपयोग को जानते हैं। फ्यूल पंप का उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से
आईसी इंजन में पहुंचाने का काम करता है। पेट्रोल को फ्यूल पंप फ्यूल पेट्रोल के कार्बोरेटर तक पहुंचाता है। वह डीजल इंजन में फ्यूल को डीजल टैंक से इंजेक्टर तक पहुंचाता है। मैंने आपको बताया कि अगर पेट्रोल इंजन है तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूल पंप का मेन काम क्या होता है, फ्यूल को खींच कर यानी कि सक करके कार्बोरेटर तक पेट्रोल इंजन में पहुंचाता है। अगर डीजल इंजन है तो उसमें क्या करेगा, आपको इंजेक्टर तक पहुंचाने का काम ये करता है। कार्बोरेटर की तुलना में इंजेक्टर के लिए फ्यूल का प्रेशर ज़्यादा चाहिए। नई पेट्रोल गाड़ियों में आजकल इंजेक्टर का प्रयोग होता है। फ्यूल पंप को फ्यूल टैंक के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। अगर पूछा जाए कि फ्यूल पंप को कहाँ लगाया जाता है, तो फ्यूल पंप को फ्यूल टैंक के अंदर फिट किया जाता है या कार्बोरेटर या इंजेक्टर के पास फिट किया जाता है। आपको मैं ऊपर भी ये बताया था कि या तो कार्बोरेटर के पास या इंजेक्टर के पास या फिर फ्यूल टैंक में इसको यूज किया जाता है। वहाँ पे आपको ऊपर बताया या तो कार्बोरेटर के नियर बाई जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उसके आसपास इसको फिट किया जाता है। ठीक है, फ्यूल पंप को इंजन के पास फिट करने का कारण है इंजन की गर्मी से फ्यूल में वाष्पीकरण की समस्या होती है, जिसके कारण फ्यूल पंप कार्य करने में कठिनाई होती है। फ्यूल पंप को फ्यूल टैंक के अंदर फिट करने का फ्यूल के वाष्पीकरण की समस्या नहीं होती, मगर फ्यूल लाइन में कभी लीकेज हो जाने के कारण फ्यूल बहुत अधिक प्रेशर से फैलता है, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। हर जगह कुछ ना कुछ किसी चीज़ का अगर लाभ होता है तो किसी चीज़ की हानियाँ भी जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें फ्यूल टैंक में क्या होता है, अगर बाय द वे प्रेशर हो जाए तो उसका तो प्रेशर के साथ कुछ भी वर्क करने का है, प्रेशर पंप का काम है, तो प्रेशर के कारण हमें ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है। ठीक है, अगर क्या होता है, जो कार्बोरेटर और इंजेक्टर के पास क्या होता है, इंजन की गर्मी के कारण इसमें गर्मी होती है जिससे वाष्पीकरण की समस्या हो सकती है और वो वर्क करना बंद कर देता है। तो आज के टॉपिक में हमारा फ्यूल पंप क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो ये पिछले क्लासेस जरूर देखो जाके, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ सके। ठीक है, और ये इस तरह ही क्लासेस दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर जो भी आप लोगों का अगर डाउट रहता है या कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बाद तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में हर चीज़ कवर करने वाला हूँ। एक से एक क्वेश्चन आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और वादा करता हूँ या प्रॉमिस आप लोगों से कर रहा हूँ कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को हर क्वेश्चन का लगभग आंसर पता होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं इन्हीं दो चीज़ों में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। थ्योरी और सब्जेक्टिव में ही आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक जरूर किया करिए वीडियो को, क्योंकि बड़े मेहनत के साथ ये सब कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि यही सब आप लोगों को कोर्स में देखने को आजकल मिल रहा है। लेकिन मैं कोर्स ना बना के इसको आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके।